दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दाखिल किया नामांकन। पड़पड़गंज विधानसभा सीट से दाखिल किया नामांकन पत्र। नामांकन से पहले निकाला पैदल मार्च। पैदल मार्च में शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता। नामांकन से पहले पैदल मार्च के दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से बातचीत की हमारे संवाददाता यूनुस खान ने। पूरी तैयारी है, लोग बहुत खुश हैं चारों तरफ और पूरे पटनगंज के लोगों का आशीर्वाद होता है। पूरी तैयारी है, लोग बहुत खुश हैं चारों तरफ और पूरे पटनगंज के लोगों का आशीर्वाद होता है। तो संवाददाता यूनुस खान की खास रिपोर्ट देखिए। पड़पड़गंज विधानसभा से मनीष सिसोदिया अपने नॉमिनेशन के लिए मंडावली तालाब चौक से निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पे मनीष सिसोदिया गाड़ी में चढ़ चुके हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से तालाब चौक से निकल चुके हैं। यहाँ से जाएंगे लक्ष्मीनगर होते हुए ये SDM ऑफिस गीता कॉलोनी जाके वहाँ पे नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया का काफिला एकदम तैयार हो चुका है और सामने आप देख सकते हैं किस तरह से मनीष सिसोदिया और पड़पड़गंज क्षेत्रवासी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मनीष सिसोदिया किस तरह से जनता को संबोधित करते हुए निकल रहे हैं। पड़पड़गंज विधानसभा से मनीष सिसोदिया नॉमिनेशन के लिए आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया का काफिला निकल चुका है। आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया का, देखिए।